फाइव नंबर सन्स को जल्दी जल्दी देखिए। इन 2016 ए ट्रेडर, अपने आप को ट्रेडर मान लीजिए। अगर अपने आप को ट्रेडर मान लेंगे तो सारे चीज को समझना आसान हो जाएगा। इन 2016 ए ट्रेडर सेंड टू हिज कस्टमर 200 आर्टिकल्स। 200 आर्टिकल्स को अंडरलाइन करिए। आप कितना भेज रहे हैं? 200 आर्टिकल्स। कॉस्टिंग 100 को अंडरलाइन करो। देखिए, आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस भी आपको पता चल गया कितना करके। कॉस्ट प्राइस का काम एक ही जगह होता है, जब आप उसको स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। एज द नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स वी आर लिमिटेड, ही रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन्स ऑन ऑर्डिनरी सेल्स बेसिस। इसके बाद अंडरलाइन करो, चार्जिंग द कस्टमर 150 पर आर्टिकल। आप जो सामान भेज रहे हैं आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, बट आप कस्टमर को कितना करके दे रहे हैं, यानी सेल्स प्राइस भी 150 हो गया। पहला जो जर्नल एंट्री होगा संडे डेटर अकाउंट डीआर टू सेल्स, वो होगा 200 आर्टिकल इनटू 150। ड्यूरिंग द ईयर द कस्टमर रिटर्न 40 आर्टिकल्स। कस्टमर ने कितना रिटर्न कर दिया? तो देखिए 40 जो है वो रिटर्न का एक एंट्री होगा, होगा ना एक रिटर्न का एंट्री। क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू संडे डेटर। देखिए कितना आसान होते जा रहे हैं, सारे चीज धीरे धीरे आसान होता जा रहा है, क्योंकि आप जर्नल थोड़ा भूल गए थे, लेकिन अभी देखिए जैसे ही जर्नल याद आ गया आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो अभी 160 मान लीजिए मेरे पास है। अभी तो आपको मैंने क्या किया था, ट्रेडर बना दिया था बिजनेस में। अभी 200 आपने मेरे को बेचा, मैंने 40 आपको रिटर्न कर दिया, अभी 160 है। आगे देखिए क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर द कस्टमर रिटर्न 40 आर्टिकल्स एंड सेंट द सेल्स इंटीमेशन फॉर 130 आर्टिकल्स। अंडरलाइन कीजिए, 130 आर्टिकल्स मैंने बता दिया आपको कि सेल कर दिया हूं। तो जो 30 है अभी मेरे पास, वो आपके लिए सस्पेंस बना हुआ है, उस बट आपने उसको सेल्स मानकर क्रेडिट कर दिया था एक्चुअल, तभी तो डेटर अकाउंट डीआर टू सेल्स किए थे। अब वो एक तो एक्चुअल सेल्स है नहीं, इसलिए सेल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करके सस्पेंस में डाल देना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका सस्पेंस। बोलता है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शंस स्पेशली डीलिंग विद द आर्टिकल्स नाइदर सोल्ड नॉर रिटर्न। ना ही ये जो बचा हुआ है 30, ना अभी तक सेल्स हुआ है ना रिटर्न हुआ है, टाइम अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। जल्दी से आप इसको कॉपी करिए। कितने जन एंट्री होंगे इसमें? 4। तो धीरे धीरे देखे, कोई चैप्टर में दम नहीं है, सब किया हुआ है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को वही सारे चैप्टर दिए गए हैं जो आप 11-12 में पढ़ के आए हैं, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है ताकि आपको यह ना लगे कि फिर से जर्नल पढ़ा रहा है। हम बीकॉम में चले गए, थोड़ा ईगो का बात आ जाता है, तो फिर नाम उसने क्या किया, चेंज कर दिया। जर्नल को लिख दिया सेल और रिटर्न, खुश हो गए आप। ट्रेडिंग को लिख दिया इंश्योरेंस क्लेम, आप खुश हो गए। तो देखेंगे यहां पर इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आप वर्किंग कर लेना, एक एक लाइन को पढ़ना, वर्किंग कर लेना। वर्किंग से ही आपको तो दिख रहा है कि एक इसका एंट्री, एक इसका एंट्री, और एक और जो सस्पेंस रहता है उसका दो एंट्री करना पड़ता है। तो 1, 2, 4, अगर रिटर्न नहीं होता तो 3 होता, हो गया ना। जल्दी से आप मेरे को हेल्प कर दीजिए, क्योंकि यहां तो मैं मिटा दे रहा हूं तो मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे तो हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे।
क्या आप अपने से खुद से नहीं कर सकते हैं? बट चलिए हम कर दे रहे हैं। डेबिट क्रेडिट रुपीस 1,000,000। बताओ पहला जनरेटिव बताओ। संडी डेटर्स अकाउंट DR 2 सेल्स अकाउंट कितना लिखेंगे यहां पर 200 × 150। रिटर्न भी किया है ना, कितना किया है? दूसरा एंट्री क्या होगा बोलिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट DR 2 सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कितना बोले? 40 रिटर्न किया था। 40 × 150 कितना? 6,000। अब हम लोग सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे, कितना लिखेंगे बोलिए? जनरेटिव बताइए। सेल्स अकाउंट DR 2 सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट कितना? 30 × 150। ये देखिए यहां पर समझने के लिए ये सेलिंग प्राइस पे होगा हमेशा, कितना आएगा बोलिए? 4,500। और फिर स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट DR 2 ट्रेडिंग अकाउंट याद है, इसको कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। यहां पर कितना लिखेंगे? 30 × 100। कौन सा 100 आपका कॉस्ट है? हमेशा हम लोग क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर रखते हैं? कॉस्ट के ऊपर रखते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, इसलिए हम लोग इसको कॉस्ट के ऊपर रखते हैं। देखो बहुत सारे सम्स हैं जो ईयर में आए हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर और 4 नंबर जनरेट्री होगा। जहां पर आपको बोलेगा 10,000 का सामान भेजा गया सेल और रिटर्न बेसिस पे, लेकिन अभी तक टाइम एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब बहुत ही आसान बात है, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर लिखा रहेगा कि ये 10,000 का जो सामान बेचा गया है 10% 20% ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है। ऑन कॉस्ट रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये 2 जनरल एंट्री लिख दीजिएगा। अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो उसको ये अमाउंट यहां बिंदास लिख दो, फिर उसको कन्वर्ट कर दो कॉस्ट प्राइस पे। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो यहां पर लिख दो, उसको इसमें ट्रांसफर कर दो। लेकिन जब ये सिर्फ 2 एंट्री देते हैं ना, तो वहां पर बैलेंस शीट जरूर बोलता है बनाने के लिए। जैसे सम्स नंबर आप 2, 3, 4 कोई भी करेंगे तो ये सारे के सारे उसी तरह के हैं, ठीक है? बट आज हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप कंसाइनमेंट और सेलर रिटर्न का अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। ओके।